मैं यही बताना चाहूंगी कि जो लोग एनआरकी के लिए जाने जाते हैं उन्होंने वापस अपनी हरकतों पर उतरकर वही अव्यवस्था और एनआरकी यहां पर पैदा की है, और जिसके तहत इन्होंने ऐसी अव्यवस्था खड़ी की है कि मुझे पुरानी रीलें और पुरानी जो अव्यवस्था है वो सब याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है 26 जनवरी के आसपास वो समय जब ये रेल भवन के पास बैठ गए थे, एक 144 धारा जहाँ लगी रहती है वहां पर इन्होंने अव्यवस्था पैदा की थी। मुझे याद आ रहा है वो समय जब राज्यसभा के अंदर इनके सांसदों ने माइक तोड़े थे, और आज भी वही अव्यवस्था पैदा की कि जब नॉमिनेटेड पार्षदों ने यहाँ पर आकर अपना नॉमिनेशन से पहले ओथ लेने का प्रयास किया तो उस प्रयास ना सक्सेसफुल हो और उनकी ओथ ना हो उस पे इन्होंने हंगामा खड़ा किया। आपको सोचना होगा कि जो हमारी पीठासीन अधिकारी है उनका निर्णय बिल्कुल ठीक ही था, क्योंकि अगर इसके अलावा उल्टा निर्णय हो जाता और वो पहले निर्वाचित सदस्यों का अगर करवा देती ओथ तो ये तो होने ही नहीं देते इन लोगों का। सब 5-7 लोगों को चोटें आई हैं, हाथ में चोट लगी है, और उन्होंने कहा कि शायद किसी ने कोई शार्प चीज किसी तीखी चीज से उनके ऊपर आक्रमण किया है। आप लोग शिकायत करेंगे? जी शिकायत भी करेंगे, और जो भी नियम कानून अनुसार जो भी कार्रवाई होनी है वो भी करेंगे।